क्योंकि आप एक लंबे टीवीएस ओनर हो, तो आपका टीवीएस के ऊपर एक ट्रस्ट भी होगा कि मतलब ब्रांड कैसी है। और यार अविराल भाई इनका बताओ, इनका क्या बताएं भाई, इनकी बस कहानी दर्दनाक है, मत पूछो इनकी कहानी दर्दनाक है। अभी 7,000 रुपए और लग गए मेरे घूम घाम के जयपुर। हाँ। लेकिन जैसे ही दिल्ली में आया ना, हाँ। आदमी बोर हो जाता है अपनी बाइक चला चला के, चाहे साला कोई भी बाइक हो। प्रीत भाई बात बोलते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि इनको KTM वालों ने पैसे दिए हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में बाइक बहुत अच्छी है, जेन्युइन रही है। मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा क्या ही फर्क पड़ जाएगा, आपकी गिरेगी मेरी नहीं गिरेगी। जहाँ ये 25 दे रही है 20 देगी, जहाँ 20 दे रही है 17 देगी, इससे ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा। लगा यार वो तो किंग ऑफ स्पीडो एरर है, किंग ऑफ स्पीडो एरर है। बट वो देखने सामने, ये लो लाइव एग्जांपल, ऐसी दुकान है उसकी, टिप लेनी नहीं चाहिए। अच्छा तो ये मेरी बात सही थी गलत थी? वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। सामने खड़ी है KTM ड्यूक 390 और बेसिकली ये कुछ कुछ अपने डुकासुर से रिजेंबल होते हैं, कुछ कुछ क्या, कुछ कुछ क्या पूरी है। बट ये बाइक मेरी नहीं है, सिर्फ सीट मेरी है गाइस इस बाइक की। तो गाइस आज हम करेंगे अविराल भाई के साथ इनकी बाइक का ओनरशिप रिव्यू, ऑल अबाउट ओलंपिया, ऑल अबाउट ओलंपिया। अविराल भाई आपकी जब हमने बाइक की डिलीवरी वाली वीडियो डालते ना, एक बंदे ने कमेंट करा था, अरे ये तो क्या कमेंट करा था, आप मोस्टली टोपी पहन के रखते हो ना? हाँ जी। किसी ने बोला था कि आप आज मुझे बिना टोपी के भी देख लो, या तो आपने बोला था या किसी ने कमेंट करा था? मैंने खुद से डाली थी YouTube पे। अच्छा अच्छा अच्छा, बिना टोपी के भी आप देख लो। हाँ ऐसे करके, और किसी ने मेरी वीडियो पे भी कमेंट करा था, ये तो ऑल अबाउट ओलंपिया अविराल भाई है, इनका नाम है अविराल, कोई टेंशन नहीं है। और ये पीछे हमारे मिस्टर मेहता, अपनी मोटोशॉप कस्टम कस्टम मोटोशॉप वाले, और इधर गौतम जोन। हार्दिक पांड्या, कैसे हो गौतम भाई? सब बढ़िया। तो गाइस देखो आज बात करेंगे KTM ड्यूक 390 के डिटेल्ड एक ओनरशिप रिव्यू। अविराल भाई को ना बाइक ले, बहुत टाइम हो गया, मुझसे कह रहे थे भाई हमारा भी ओनरशिप रिव्यू बना लो। मैंने कहा गरीबों को भी देखा, अरे नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा अविराल भाई की बाइक ना अभी लगभग कितनी चला ली अविराल भाई, 5,000 कुछ चल गई? हाँ भाई 5,800 के आसपास, 5,737। तो एक अच्छा डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू मिल जाएगा, जिससे हमें समझ में आएगा कि हाँ भाई इन्होंने इस पे 2,000 किलोमीटर की लॉन्ग राइड भी कर ली, जो सोच के लिया था वो सारी चीज, मतलब काफी कुछ हुआ अविराल भाई के साथ। तो अविराल भाई सबसे पहली चीज, इससे पहले आप कौन सी बाइक ऑन करते थे? इससे पहले मैं TVS की Apache RTR 160 ऑन करता था। TVS वो BMW वाली TVS? नहीं, एक्चुअल TVS वाली TVS, एक्चुअल TVS की किट भी निकलती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इससे पहले धोखेबाजी नहीं हुई थी मेरे साथ, मैंने TVS खरीदा था, TVS ही मिली थी। क्योंकि गाइस यहां पे एक आदमी है ना, पैसे भी नहीं दिए थे मैंने उसके, एक आदमी यहां पे गाइस BMW ऑन करते हैं, G310 GS, उसके अंदर से टूल किट के नाम पे TVS की टूल किट निकलती है। चेहरे पे शिखर भी नहीं आदमी के, 4 लाख स्पेंड करने के बाद भी व्यक्त नहीं कर सकते खुशी, देखो ना खुशी चेहरे पे, स्माइल है TVS। बहुत बढ़िया भाई। चलो इससे पहले आप TVS ऑन करते थे, तो आपको अविराल भाई कहाँ से प्लान हुआ कि KTM या फिर मतलब एक बाइक लेनी है, तो फिर इतनी सीसी की और यही क्यों, मतलब ऐसा? यार मुझे ना मेरा ये था कि मेरे को थोड़ी हैवी बाइक चाहिए थी, मैं बोर हो गया था 160 सीसी से। हाँ, और कंफ्यूजन ये थी कि यार एकदम हैवी पे चला रहा हूं, मतलब 4 सिलेंडर टाइप इनलाइन सुपर बाइक जो आपसे मैंने रिकमेंडेशन ली भी थी, तो आपने कहा एकदम से उतना नहीं जाना चाहिए, पहले इसको समझ लो, लगभग 4 लाख के आसपास की बाइक ऑन कर लो, उसी के खर्चे समझ आ जाएंगे, उसी का चलाने का तरीका समझ आ जाएगा, एकदम से लीप लेनी नहीं चाहिए। अच्छा तो ये मेरी बात सही थी गलत थी? सही नहीं भाई। मैंने जब डिलीवरी ली थी तब भी आपको कहा था कि आपका एक उसमें रहा है कि भाई आपने काफी बार बोला वीडियो में कि KTM की बाइक अच्छी है, स्पेशली 390, उसको सोचते हुए मैंने अपना प्लान बनाया था। अच्छा, मेरा मूड और स्ट्रांग हो गया था। अच्छा इससे पहले अब जब आपने बाइकें ढूंढना शुरू करा, आपने कहा ड्यूक 390 देख लेता हूं, मतलब ओवरऑल आपका ये माइंडसेट होगा 400 सीसी तक देखता हूं। तो आपने मेरा माइंडसेट ये था कि मेरे को 4 लाख से ऊपर स्पेंड नहीं करना, 4 लाख से ऊपर नहीं जाना, 4 लाख के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 400 सीसी तक की बाइक इजिली आ जाती है। मेरा इनिशियली माइंड था 5 लाख तक भी अगर मिल जाए तो भी ले लूंगा, 5 लाख के प्राइस सेगमेंट में कोई आती ही नहीं है, 4 के नीचे आएंगे। निंजा 400 आती है, 5 से ऊपर है वो, उसका वर्थ नहीं है, वो वर्थ नहीं है जो जनरल बात है। तो आपने एक ये देखी ड्यूक 390, और कौन सी देखी थी यार? और तो मैंने कोई भी नहीं देखी, मैंने तो टेस्ट ड्राइव ही सिर्फ इसकी लिया, और तभी इसको आर आर नहीं देखी थी। 310 आर आर का इनिशियल मन था, बहुत कंफ्यूजन थी कौन सी अच्छी कौन सी अच्छी, क्योंकि आप एक लंबे टीवीएस ओनर हो, तो आपका टीवीएस के ऊपर एक ट्रस्ट भी होगा कि मतलब ब्रांड कैसी है। ट्रस्ट था, मैंने कहा चलो टीवीएस से टीवीएस पे स्विच कर लेते हैं बड़े इंजन पे, बट फिर कुछ वीडियो देखा, आपकी भी देखी थी जिसमें आर आर और उसका कंपैरिजन था, अच्छा अच्छा क्लियर हुआ कि इसमें तो क्विक शिफ्टर भी होता है, उसमें तो वो भी बहुत सारे फीचर्स का फर्क लगा, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा वो बाइक का इंजन उतना है नहीं, वाइब्रेशन भी ज्यादा करता है आर आर का इंजन, थोड़ा मतलब अच्छी थी, थोड़ा आपको पैपी कम लगा। और मुझे ना एक्चुअली में एक्सेलरेशन चाहिए था, ठीक है, और KTM सिर्फ एक्सेलरेशन के लिए नहीं है जो दिमाग में लोगों के बैठा है, इसकी ब्रेक्स भी अच्छी है, इसके सस्पेंशन भी अच्छे हैं। लोगों को दो तीन बातें KTM को लेकर बहुत गलत बैठी हुई हैं, एक तो ये छपरी बाइक है पहली है, दूसरी ये बैठी हुई है कि KTM बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तीसरी ये बैठी हुई है कि सिर्फ KTM पे इनिशियल होता है, मगर उसके अलावा भी बहुत कुछ है। ये बात आपने जब ऑन करी होगी तब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। सही कह रहे हो, और मैं सही बताऊँ ये हर एक चीज़ में काफ़ी सही बैठती है, हाई क्वालिटी के मामले में भी, लाइक अगर मीटर्स की भी बात करूँ, मीटर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो एक डोमिना वाले भाई हमारे साथ में देखे, अरे यार मेरा मीटर में स्पीड ज़्यादा दिखा रहा है, आपके
में कम दिखा रहा है, किसका सही है? मैंने कहा भाई KTM का मीटर हमेशा एक्यूरेट भी होता है। मैंने कहा भाई एक ही वजह नहीं है KTM लेने की, बहुत सारी चीजों में ये KTM, Kawasaki, BMW तीन ब्रांड ऐसी हैं इनके ना मीटर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी है अभी तक जो मैंने सुना है। KTM ओन करके देख लियो और दो ब्रांड कभी करके देख लेंगे। किंग ऑफ स्पीडो एरर है इंजन के लिए, वो बाइक अपने इंजन अच्छा है वो सब चीज अच्छा भी था, बट यार एट द एंड मेरे को लग रहा है ये डिसीजन आपका करेक्ट रहा है। ठीक है अब चलो भाई KTM ले ली, खरीद ली 3 लाख 3.5 लाख ऑलमोस्ट आपके इसके ऊपर, हाँ 3-45 आपके लग गए थे, प्राइस बढ़ा दिया था भाई का, हाँ तो आपके 3.5 इसके ऊपर ऑलमोस्ट खर्च हो गए अगर देखा जाए तो। उसके बाद अविराल भाई जब आप, हाँ वो तो छोड़ो तो साइड की बात है, ऑन रोड प्राइस की बात कर रहे हैं, उसके अलावा जैसे आपने डे टू डे लाइफ में इसको चलाया, आपने इसको लेने के बाद ओन करा, एक्सपीरियंस करा, कैसी रही, फील गुड फैक्टर था नहीं था? सही था इनिशियली, बस थोड़ा सा मतलब ऐसा हुआ 10-15 दिन बाद मेरे को लगने लगा मेरी प्रॉब्लम है शायद, मेरे को लगा इसमें पावर और चाहिए, जबकि इतनी एक्सेलरेशन वाली पावर 160 सीसी चलाते थे गाइस, ये देखो पावर की बातें कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर मैं इसके ना लो एंड टॉर्क से थोड़ा परेशान होना शुरू हुआ। एक्चुअली मैं KTM जिसके लिए बदनाम थी, मतलब KTM नाम है क्या, मतलब कुछ भी बोल, मैं बताता हूँ बात क्या है, आपको ये KTM की कमी लगी, बट KTM का ये नेचर है, अगर आप जब तक स्टार्टिंग में ज्यादा रेव करोगे नहीं ये एकदम से उठेगी नहीं और पिकअप ज्यादा निकल के आएगा नहीं, जिसके लिए KTM जाना जाता है, और आपको वो चीज इसकी नेगेटिव साइड लगी, देखो नेगेटिव साइड बिल्कुल, और मुझे वही चीज इसकी सही करनी थी, उसके चक्कर में मैंने इसमें प्रॉफिट डाला 14 टीथ वाला बाद और आ गए चेन सेट में से एक्स्ट्रा, और टॉप एंड कम हो गया बिकॉज मेरी बाइक 50 पे फर्स्ट गियर टॉप आउट कर रहा था, और जाता है ही छोटा हो गया ना, 13 टीथ का लगाता तो और 45 पे आउट कर जाता बिल्कुल, तो वो बात नहीं बनी, वो फिर मैंने कहा इसमें एग्जॉस्ट लगा लिया, नहीं फिर हमने वो एक वीडियो बनाई थी फ्यूल एक्स प्रो वाली, वो 10,000 वो 10,000 रुपए उस पे खर्च करे वो भी वेस्ट गए, नहीं वो तो चलो शुक्र है कि रिफंड आ गए, मगर अगर कहीं से हम ऑफलाइन ले लेते तो मिट्टी थे, वो भी लो एंड टॉर्क के चक्कर में करा था, बिकॉज मैंने यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस देखी थी कि फ्यूल एक्स प्रो लगाने से लो एंड टॉर्क अच्छा होता है और बाइक स्मूथ चलती है, हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ा था, कुछ भी नहीं पड़ा, मैंने उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, मेक श्योर चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे स्लिप ऑन लगवा लिया था अंशु भाई से, स्लिप ऑन नहीं मतलब हमने डीकैट करी थी अपनी कस्टम मोटरशॉप पे, बाद में करी थी, पहले स्लिप ऑन लगा के हमने ट्राई करा, हाँ एग्जॉस्ट लगा के, उसका वीडियो नहीं बनाया मैंने, वीडियो नहीं बनाया बट उससे बाइक अच्छी हो गई थी, गियर शिफ्टिंग एक्चुअली में इसका क्विक शिफ्टर काम करने लग गया था बाद में बेहतर, शुरू से बाइक में मेरे साथ दिक्कत रही है, क्विक शिफ्टर का इशू है, आप लकी हो भाई, ये बात अभी गाइस अभी हम थोड़ा सा आगे आएंगे इसके ऊपर, मगर अभी इसे कंप्लीट करते हैं। तो वो लगाया, बाइक अच्छे से ब्रीथ कर रही थी, मैंने कहा नहीं यार मेरे को इतना फर्क नहीं पता लगा पावर में जितना आपको पता लग रहा था, हाँ मेरे को डिफरेंशिएट ना कर पा रहा था, मैं नहीं कर पा रहा था, मैंने कहा इसका डीकैट करवा देते हैं और जो एग्जॉस्ट है वो स्टॉप रहने देते हैं जिससे साउंड ना आए और एक्चुअली में सबसे बड़ा मेरे को लगता है बेहतर मेरा डिसीजन था डीकैट करवाने का, इसके ऊपर तो मैंने वीडियो बनाई थी, तो बहुत भाई ये रियलिटी में बहुत अच्छी चीज है, मेरे को लगता है इससे बाइक की बीएचपी डेफिनेटली बड़ी होगी, जहां स्टॉक ही 43.5 बोलते हैं ना, आई थिंक 45 कर रही होगी मे बी हो सकता है, मेनली टॉर्क बढ़ा होगा क्योंकि आरपीएम तो ऊपर जाएगा नहीं, वो तो आरपीएम तो उतना ही रहेगा, बस ये होगा कि जो शूट करती थी उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, बिकॉज टॉर्क बढ़ गया होगा, बाइक ब्रीथ आउट इजीली कर रही है। देखो हमने क्या करा था भाई, डीकैट में दिखा देता हूँ मैंने, हालांकि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, चेक कर लेना, यहाँ बीच में जो काला काला आइटम रहता है हमने निकाल के फेंक दिया, यहाँ से स्ट्रेट पाइप करा दिया, पीछे स्टॉक एग्जॉस्ट है और आगे की तरफ से जो हेड है वो भी स्टॉक है, वजन भी वही है गाड़ी का, मतलब वजन तो कम हो गया 3-4 किलो का लगभग, हाँ था आप लोग ही बता रहे थे तोल के मेरी वाली डुकासुर को रेस करेंगे ना बराबर में, अगर अच्छे लॉन्च करने वाले दोनों बंदे हैं तो बहुत अच्छा डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा बंदा इससे, और इसमें विराल भाई एक काम हमें अभी और कराना है, इसकी जो ये है इसका ये मुंह अगर निकलवा देंगे ना डीबी किलर जो आता है स्टॉक एग्जॉस्ट में, इसकी तो मैंने जान खा रखी है एक लंबे टाइम से भाई, इसे इनकी जान खाओ, उनसे दुकान खुलवाओ, उनसे काम करवाओ, खुलवाएंगे इसको भाई, निकलवाते ही ना जो ये अभी जैसे स्टार्ट करो एक बार ये विराल समझ में आएगा कि ये डीबी किलर जो है ना इसका, ये इसकी साउंड को रोकता है, अगर ये निकल जाएगा फ्री फ्लो हो जाएगा तो परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा और साउंड भी अच्छी हो जाएगी, विराल भाई मारो थ्रॉटल, अभी जैसे विराल भाई ने रेस करा ना तो देखो वो चीज़ आपको समझ में आई होगी कि इसके पीछे की जो ये डीबी किलर अगर निकल जाएगा ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा मामला पानी इसका, बाकी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इससे भी, ठीक है बस एक बार मैं तो एक्चुअली मैं एग्जॉस्ट ही लगवाने की सोच रहा था, वो एक्रा पोविच वाला जो है एक्रा, हाँ सही है भाई वो बहुत ज्यादा साउंड नहीं करेगा, साउंड नहीं करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा ना तो भाई मैं भी लगवा लूँ अपने डुकासुर में, क्योंकि हम तो मेन हेड तो स्टॉक रखेंगे, पीछे कुछ भी खेल खेले हम,
क्या फर्क पड़ेगा, दो की एवरेज गिरेगी, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पांच की गिर जाएगी। अरे नहीं गिरेगी, मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा क्या ही फर्क पड़ जाएगा, आपकी गिर जाएगी, मेरी नहीं गिरेगी। जहाँ ये 25 दे रही है 20 देगी, जहाँ 20 दे रही है 17 देगी, इससे ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो भाई, इसे खरीदने के बाद हमें पता था खूब तेल पिएगी तो हम उस बात को लेकर रोते ही नहीं। सही बात, इसी बात पे एवरेज बताओ आप। मेरी आई थिंक सही आ रही होगी, मेरी 24 25 26 निकाल देती होगी। बढ़िया, इसके बाद भी ये सब जो तामझाम करवाया है, उसके बाद भी डीकैट करवाया, उसके बाद भी रोड ट्रिप पे कितनी निकाली होगी, इसने कुछ आइडिया? क्योंकि अभी आप 2000 किलोमीटर का रोड ट्रिप करके आए हो। हां हां, हिसाब से इसने 27 की 26 27 की निकाली होगी, निकाल दी होगी। क्योंकि जब जिस हिसाब से चलाया है बाइक को, ऐसा नहीं है कि थ्रॉटल वगैरह मस्त एकदम रेस वेस भी करा, ट्रैक वगैरह भी। भाई जब हाईवे पे जाते हैं तो सभी कुछ हो जाता है, मिक्स ही हो जाता है। 120 130 140 भी चल जाती है भाई। 150 भी चलाई? 150 भी चल गई, 150 एक बार टच करा था। चलो भाई बढ़िया, और क्या चाहिए। और लोग कहते हैं कि ड्यूक ना जब तेज चलाओ तो थोड़ी उड़ती है हवा में, 150-150 पे चला के स्टेबिलिटी वगैरह लैक करती है इसकी सबसे ज्यादा है। लोग कहते हैं कि वजन में हल्की है तो स्टेबल कैसे रहेगी, ऐसा यही, कहना है। यही मुझे समझ नहीं आता कि वजन में इतनी हल्की है, इसकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी है क्यों, है कैसे? बढ़िया, एक्चुअली में हाँ बढ़िया, ये बाइक नहीं हिलती यार भाई। मैं आपने अभी ये वाली बात बोली ना वजन में हल्की है, कितनी बार होता है जैसे एलिवेटेड रोड्स होते हैं हमारे, आप लेकर जा रहे हो बाइक को, हवा चलती है कभी कभी ना, बाइक चलती है और ना एकदम ऐसे भी आ जाती है, क्योंकि हवा इस डायरेक्शन में है। R15 में हुआ था मेरे साथ ये, वो कितना खतरनाक है, बिल्कुल यहाँ पे आप फ्लाईओवर के एंड में आते हैं, ये यार सीधी चलती है, नहीं फर्क पड़ता यार। हाँ। हल्की है वजन में लेकिन ये तब भी सीधी चलती है। आई थिंक यार इसके टायर बिल्कुल चिपक के चलते हैं रोड से, इसलिए नहीं हिलने देते। ये भी एक चीज कह रहे हो आप, मुझे सबसे ज्यादा इस पे, क्योंकि बाइक में वजन नहीं है तो क्यों क्यों चिपक के चल रही है, आई थिंक टायर्स की ग्रिप बहुत। और फिर पता है विराल भाई एक चीज और है जिस बारे में कभी कोई बात नहीं करता, मैं आपको बताता हूँ। लोग कहते हैं कि KTM की ग्राउंड क्लियरेंस कम है, KTM हो या कोई भी ब्रांड हो, आपको पता है ग्राउंड क्लियरेंस कम होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? आप अगर अपनी बाइक को इस एंगल से देखोगे, आपको इंजन नीचे की तरफ नजर आ रहा है, बाइक ऐसे दिख रही है, कहीं ना कहीं ये चीज भी एरोडायनामिक्स में बहुत बड़े तरीके से काम करती है। ये चीज आप देखना, जितनी भी बाइकों की ग्राउंड क्लियरेंस कम होगी ना, उनका इंजन आगे की तरफ को डाउन होगा, जिससे कि जब ये चले ना तो थोड़ा एरोडायनामिकली हवा भी काटे। हाँ, ये चीज होती है ग्राउंड क्लियरेंस कम करने के पीछे का, यही रीजन होता है। हाँ हाँ हाँ, मेरी TVS में भी लगे हुए हैं 160। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस कम के पीछे का भी ये भी एक रीजन है, क्योंकि मैं कल परसों इस चीज के ऊपर थोड़ा पढ़ रहा था। हाँ, हो सकता है, मेरे को मैं कंफर्म नहीं, बट आप कंफर्म करना, कंफर्म करके बताना मुझे। बाकी अगर अविराल भाई आप बात करते हैं इस बाइक से, आपको अभी तक प्रॉब्लम्स क्या आई हैं? कुछ भी नहीं आई यार। यार मैं लोगों से बोलता था कि मैंने 10,000 चला ली, मुझे डुकासुर से कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग सोचते थे ये तो अपनी बाइक की तारीफ करता है इसलिए ऐसा बोलता है। अब आप बताओ, जो प्रीत भाई बात बोलते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि इनको KTM वालों ने पैसे दिए हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में बाइक बहुत अच्छी है जेन्युइनली, और ये परेशानी नहीं देती। मैं लिटरली बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं हीटिंग के लिए बदनाम है, बहुत हीट करती है। हाँ, हीट का सही बात बहुत उठाई आपने, जैसलमेर की राइड मारा है भाई अच्छी खासी, नहीं हुई मतलब आप आराम से बियर कर सकते हो। 400 सीसी की बाइक से आपको इतना एक्सपेक्ट भी होना चाहिए कि हाँ, अब वो एक नॉर्मल हीट फेंकेगी, इससे ज्यादा हीट डोमिनार में मेरे को लगी। मैं सही भाई डोमिनार में आती है इससे ज्यादा हीट, या इसके बराबर अपाचे में BMW चाहिए। ये बाइक कहीं पे नहीं रुकती हीट के मामले में, ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगी ओवर हीट होकर के, इनफैक्ट डोमिनार बंद हो जाती है। या तो उसमें कोई इशू होगा, मुझे वो पर्सनली हो सकता है उस बाइक में कोई इशू हो, सारी नहीं होती फ्यूल इंजेक्टर का, फ्यूल तो ये बाइक कहीं पे ना, ये मतलब ट्रस्टेबल बाइक है, रिलायबल है। आप लंबा टूर पे जाओ, मेरे हिसाब से 2000 किलोमीटर डायरेक्ट मारे, कहीं पे कोई दिक्कत। लोग कहते हैं KTM की लाइफ भी कम होती है, वो चीज़ तो हम खुद टेस्ट करेंगे। और गाइस एक चीज के ऊपर ना मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी बेसिकली वो वाली अविराल भाई व्हाट इज वारंटी, तो उसके अंदर मैं बड़ा दुखी था, और आप और ये ऐसे आदमी, इन्होंने फर्स्ट डे से अपनी बाइक की वारंटी नहीं ली, पहले दिन ही वारंटी खत्म कर दी थी, पहले दिन ही खत्म, हालांकि कोई तार वार नहीं काटी, तो कुछ नहीं हुई है, वो तो कहने की बात है, मगर फिर भी भाई वो ड्रामा तो करेंगे ही ना। जहां से मैंने सर्विस कराई है ना, कोई बंदा अगर देख लेना, वो सही में कहेगा यार ये बंदा बेवकूफ है, कहां से सर्विस करा के लाया, पहली बाइक की पहली सर्विस, बिल्कुल ऐसे जैसे जो नॉर्मल मैकेनिक जो होते हैं, ये देखने सामने, ये लो लाइव एग्जांपल, ऐसी दुकान है उसकी, ये बाइक सर्विस करने वाली की। ऐसे से मैंने कहा भाई बस इसका इंजन ऑयल बदलवा दे, 300 भी डलवा रहा था मेरे को, 300 भी मैंने डलवा लिया, ऑयल फिल्टर बाद में चेंज करवा लिया। और गाइस इस चीज के ऊपर ना मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आज तो विराल भाई का ओनरशिप बना रहे कि इन्होंने वारंटी क्यों उड़ाई और उसको उड़ाने के पीछे का रीजन क्या। अब ये वारंटी एक्चुअली में वारंटी एग्जिस्ट कर रही है अभी भी है। चलो वो बाद में बात करेंगे। एक बंदे ने मुझे बोल दिया था कि उड़ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो एक बंदे को आप अच्छे से जानते हो। तो मतलब किसी ने बोला विराल भाई को कि तुम्हारी वारंटी उड़ जाती है, ऐसा मत करो, तो विराल भाई ने कहा उड़ती है उड़ जाए, मुझे पता है मेरी बाइक को कैसे मेंटेन करना है, और मैंने वारंटी बचा के कुछ उखाड़ नहीं लिया अपनी डुकासुर की, कुछ नहीं होता, लिटरली कुछ नहीं होता। अब बताओ अंशुल भाई का रिम भी टूट गया, अंशुल भाई की BMW का, और वो तो इंश्योरेंस है उसका, इंश्योरेंस होने के बावजूद भी 10,000 रुपए पे कर रहा है अगला आदमी, और वो भी जीरो डेप्थ इंश्योरेंस है। मतलब साला वारंटी पे विश्वास नहीं होता आदमी को, इंश्योरेंस पे तो होता है, इंश्योरेंस पे तो होता ही है। जीरो डेप्थ किस लिए होता है, जीरो डेप्थ क्यों कराता है बंदा, एक एक साल के लिए 25,000 रुपए का 30,000 का स्टार्टिंग में इंश्योरेंस होता है, बंदा क्यों कराता है, इसीलिए।
चलो भाई छोड़ो, अब क्या ही कर सकते हैं उस चीज से। बाकी तो अविराल भाई मुझे लग रहा है खुश है। कुछ अविराल भाई इसकी दिक्कत परेशानी बताओ, लाइट्स क्या थी? लाइट्स ये इतना यहाँ बिजली घर बना रखे क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ड्यू की लाइट ऐसे खड़े हुए देखोगे आपको स्टॉक लाइट भी बहुत अच्छी लगेगी, आप कहोगे इनफ है, लाइट हाउस है, लाइट हाउस है। बट जब आप जाते हो ना और आप थोड़ा तेज चलते हो, 60-70-80 की स्पीड पे चलते हो, ये सब कुछ मिलाकर भी मुझे तो कम पड़ती है। या कह लो मुझे अंधेरे में कम दिखता होगा शायद। तो एक्चुअली मैंने ये सब इसमें लगवा रखे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मिनी ड्राइव बोलते हैं। ये वाली दोनों मिनी ड्राइव है, ये उल्लू है, ये उल्लू है, और दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं सही। ये एकदम फैला करके ऐसे रोशनी देती है और एक जगह स्पेसिफाइड एरिया पे देती है, तो तेज स्पीड में ये फर्क इसका बहुत फायदा। रोड ट्रिप इन लाइट्स ने काम करा बढ़िया। हाँ करा, अच्छा एकदम खराब नहीं हुई थी तब तक, बढ़िया करा इन्होंने। अरे गाइस ये क्या बोल दिया इन्होंने, खराब कैसे हो गई? हटाती है शायद, मिनी ड्राइव में इशू है भी है ना। चलो यार पता है मिनी ड्राइव में थोड़ा कम इशू है इसके ना, ये बटन में ज्यादा इशू है यार। बटन में कई बारी, एक दो बारी बटन मैंने अपने सामने कुछ लोगों ने लगवाया, चेंज कराना पड़ गया था, हो सकता है मेरे तो वो चीज़ हो जाती। छोटे मोटे इशू मेरे को रहे थे ट्रिप के दौरान। बाकी इसकी लाइट्स मेरे को लगता है कि अगर लंबे ट्रिप पे किसी को जाना हो तो लगवा लेनी चाहिए, मिनी ड्राइव लगवा लो या कोई भी लगवा। और आप क्विक शिफ्टर बड़ी वाली यहां पे जो लगती है। अच्छा अच्छा, आप जो क्विक शिफ्टर से बड़े दुखी थे उसका बताओ। पहले दिन तो काम ही नहीं कर रहा था, जिस दिन डिलीवरी ली थी बाइक की वो तो क्लियर था काम ही नहीं कर रहा था। नहीं नहीं मैं थोड़ा कम कर रहा था, पांचवे से छठे गियर में क्विक शिफ्टर लगेगा बस, और छठे से पांचवे में आएगा बस ऑटो क्लिपर, इसके अलावा नहीं, इससे पहले का कुछ नहीं। तो जैसे ही मैंने इसमें 300 भी डलवाया ना मोटर का, उसके बाद से इसका क्विक शिफ्टर एक्चुअली में चौथे गियर के बाद से काम करने लग गया। अभी भी कर रहा है? अभी जब से मैंने ये डीकेट करवाया है तो तीसरे गियर के बाद से अब काम करने लग गया, मतलब पहला दूसरा गियर मेरे को वैसे डालना पड़ेगा क्लच से। मैं तो आपसे कह रहा था थोड़ी सी चला लो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो वही है अभी इसमें, जहाँ तक है मैं वो परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगाऊंगा, आई थिंक और इसका क्विक शिफ्टर बेहतर होगा। पता नहीं अब अजीब लग रहा होगा सुनने में, बट एक्चुअली मैं, मेरे साथ हुआ है, इंजन ऑयल बदल देने से, डीकैट करवा देने से मेरा क्विक शिफ्टर सही हुआ है। गाइस इसका ना मैं राइड रिव्यू बनाऊंगा, अभी वो पेंडिंग है, आज तक बनाया भी नहीं, बस एक बार डीकैट वाला बना लिया था। उसके अलावा ना अभी अविराल भाई इस पे बहुत सारा कंटेंट है पेंडिंग है, अभी बनाएंगे, बहुत सारा पेंडिंग है, और वो आप देख परफॉर्मेंस से तो आप खुशी खुश रहोगे। मैं इसके सही में डीकैट करवाने के बाद से बहुत ज्यादा खुश हूं। ये काम मेरा भी बड़ा मन है अपने डुकासुर पे कराने का, मैं कराऊंगा अपनी कस्टम मोटर शॉप से करा लेंगे। करवा लो, बहुत बढ़िया चीज है, और एक्चुअली मैं बाइक अब बोर नहीं करती, मैं इतनी लंबी राइड मार के आया, लेकिन जैसे ही मैं दिल्ली में वापस एंटर हुआ, जैसलमेर से जब आ रहे थे घूम घाम के जयपुर, लेकिन जैसे ही दिल्ली में आया ना आदमी बोर हो जाता है अपनी बाइक चला चला के, चाहे साला कोई भी बाइक हो। बिल्कुल यार मेरे को मजा आ रहा था, पता नहीं क्यों, दिल्ली में आकर के, क्योंकि एक्चुअली में ये बाइक ना जिस तरह से एक्सेलरेट होती है ना, थ्रॉटल रिस्पांस वो वैसा का वैसा ही है, पता नहीं क्यों ड्यूक में, लेकिन फन आता है यार। ड्यूक भाई ड्यूक नहीं देती भाई, ड्यूक में है ये चीज, आप इसका जितना जितना थ्रॉटल करते रहोगे ना उतना उतना आपको अंदर से मजा आएगा और चलाने का मन करता है यार। एक्चुअली मैं बताऊं 6000 किलोमीटर मैंने बाइक चलाई, मेरे को कभी नहीं लगता था मैं इसको 2 साल में भी इतना चलाऊंगा। हां ये लेने से पहले के थॉट थे, मैंने अपनी टीवीएस 17000 किलोमीटर चलाई है 8 साल में। भाई बहुत लंबा टाइम होता है यार 8 साल, 17000, और ये मुझे लग रहा है जल्दी हो जाएगी, ये जल्दी हो जाएगी, ये बहुत जल्दी हो जाएगी। एक्चुअली मैं क्यों चला ली, बिकॉज फन आता है भाई ड्यूक चलाने में। और यार अविराल भाई इनका बताओ, इनका क्या बताया भाई, इनकी बस कहानी दर्दनाक है, मत पूछ इनकी कहानी दर्दनाक है। अभी 7000 रुपए और लग गए मेरे, और वो वो भी एक थोड़ा सस्पेंस है, अभी सस्पेंस है, सस्पेंस बनाए, सस्पेंस है तो सस्पेंस ले, वो मैं स्पेसिफाइड दिखाऊंगा लोगों को। मेरी नहीं है ये, मैंने उधार की सीटें ली है, ये डुकासुर की सीट है, कैमरा के पीछे आपको दिख रहे होंगे, ये डुकासुर की सीट है गाइस, मेरी वाली गई हुई है काम वाम के लिए। थोड़ा सीट ने परेशान करा अविराल भाई, बहुत परेशान करा। लोग कहते हैं इसके जो शीशे है ना ये ढीलों के नीचे लटक जाते हैं अभी तक लटके, भाई इसको देख लो, ये कैसे हुआ, ये मतलब अपने आप हुआ है किसी वजह से हुआ है? शायद कहीं पे या तो हो सकता है टच हो गई हो, या किसी ने ऐसे खड़े खड़े बाइक में टच कर दिया हो। इसका बस पेश लूज हुआ है, जो नॉर्मल सी चीज है यार, मतलब हाँ ये तो ठीक है ना, वो लूज होके, मगर इस वाले का तो ठीक है एकदम, ओके रिपोर्ट है, तो टाइट है खूब अभी है ना। मेन मेरे को और परेशानी होती है ना, मैं आपको परेशानी बता दूं, जो आप कह रहे थे लंबी ट्रिप पे अगर जाना हो, मेरे जैसे बंदे को थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि जो इसका जो पोस्चर है, हाँ जो फुटरेस्ट यहाँ पे रहता है ना पीछे 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 है, और मेरे घुटने में थोड़ा सा इशू है इसमें, हाँ। मेरे को एक पेन करता है, और फुटरेस्ट पीछे होने की वजह से मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। ओके। सेकंडली इसकी सीट जो है ना वो बट पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है एक टाइम बाद, तो आपको या तो एयर सीट लेनी पड़ेगी, 100 किलोमीटर के बाद ब्रेक चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, तो एयर सीट लगानी पड़ेगी। एयर सीट अगर मैं लगाता हूँ तो मेरी जो स्पाइन है मिडिल स्पाइन वो कंप्रेस हो जाती है, अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है, वो थोड़ा सा मेरे को खुलवाने की जरूरत है, खुलवाने की, गौतम भाई से खुलवाएंगे, गौतम भाई से नहीं हुआ फेल हुआ गौतम भाई तो एयर सीट से वो दिक्कत हुई, बट एयर सीट एक्चुअली में आपके बट को बचा लेती है, काफी लोगों पे सूट करती है, मेरे पे एयर सीट भी। पर एक बात बताऊं अविराल भाई, मैं तो अभी इसका भी आदि हो गया हूँ, तो इसका कठोर पत्थर का, ये बताओ आप R15 पे ट्रिप मार मार के आए हो इतनी लंबी लंबी, हाँ। ये तो आपके लिए GS है, हाँ, कह सकते हो। बस लॉन्ग ड्राइव पे मुझे इससे थोड़ी दिक्कत हुई, अदरवाइज बाइक की परफॉर्मेंस, बाइक का ब्रेकडाउन होना, ये ब्रेकिंग सब नहीं कैसी है इस बाइक की, ब्रेकिंग
एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज्यादा ही अच्छी है ना? लगता है आप एक पॉइंट अगर आपने दिमाग में सोच रखा यहाँ पे रुकेगी मेरी बाइक, हाँ, रुक दूंगा, हाँ, उससे पहले रुक जाती है ना? हर बार ही होता है, आदमी कहता है साला एक्सेलरेशन तो बहुत अच्छी है पर ब्रेकिंग और अच्छी है। जैसे ये उठती है ना भगते टाइम वैसी रुकती है रोकते टाइम, वो एक चीज अच्छी है इसके साथ। और चैन ढीली से परेशान नहीं होते? अब तो नहीं होता, अब काफी ज्यादा ही टाइट करवा दी थी, इतनी ज्यादा कि वो 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर बाद भी ढीली नहीं पड़ी। नहीं यार इतनी टाइट भी मत कराओ, कभी टूट ही जाए। अरे नहीं अब देख लो आप कैसी लग रही है आपको, अभी थोड़ी लूज है। सही है ना? तो बस यही अब सर्विस मांग रही है भाई, एक और इसमें सर्विस करवानी। हाँ अब तो इसकी सर्विस आ गई इस बार भाई, आपकी सर्विस का मैं वीडियो बनाना चाहूंगा, मैं देखूंगा कहाँ से होगी। KTM से कराओगे? KTM से करवा लूंगा, अभी तो फ्री पड़ी हुई है। अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई उस हिसाब से मेरा कर भी देंगे जैसे। और वो इंजन ऑयल तो डलवाना है अपनी पसंद का, वो डाल देंगे बस। सही है, और क्या चाहिए अपने को। चलो भाई देख लो ऐसा कुछ। अविराल भाई का KTM डुकासुर 390 का ओनरशिप रिव्यू था, हैप्पी ओनर है भाई ड्यूक के। और लिटरली भाई देखो हैप्पी होना भी चाहिए, जब व्हीकल परेशान नहीं कर रहा, टाइम टू टाइम मेंटेन करके रखते हैं, सबसे बड़ी चीज ये है। मैंने इंजन को मेंटेन रखो, मोबिल ऑयल टाइम पे डालते रहो, हाई क्वालिटी मोबिल ऑयल यूज करो, सिंपल। और परफॉर्मेंस चाहिए डीकैट करवा रखा है, वो आपकी चॉइस है, आपको करवाना नहीं। और बाकी छोटी मोटी चीजों की दिक्कत है, हैंड टू हैंड रिपेयर कराओ, ज्यादा उन्हें घसीटो मत, घसीटो मत, ये बाइकों में ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, उन्हें घसीटो मत। लोग सोचते हैं कि मान लो थोड़ा चैन सेट खराब हो गया, मैकेनिक ने कह दिया कि 500 किलोमीटर और चला लो, अगर वो कह रहे ना 500 चला लो, मत चलाओ, बदलवा दो। उस 500 को चलाने से मान लो आपका नया क्या नाम है, आप थोड़े से पैसे बचा लोगे, कुछ टाइम के बाद तो आपको पैसे खर्च करने ही है। अब अगर मान लो वो कहीं और दूसरी नई प्रॉब्लम बना दे, वो एक चीज हो जाती है यार। इसलिए टाइम टू टाइम थोड़ा टाइम से पहले ही करा लो। मुझे देखो यार, मैं 4,000-4,500 सर्विस करा लेता हूँ, जरूरत नहीं है, अगर चाहे तो हम 6,000 भी करा सकते हैं, मगर मैं करा लेता हूँ 4,500-4,000। मुझे लगता है कि हाँ यार अब करवा लेनी चाहिए, बस वो एक चीज़ है। तो देख लो भाई ऐसा कुछ आज का एक डिटेल ओनरशिप रिव्यू था अविराल भाई के साथ। और अविराल भाई को कौन कौन जानता है एक बारी कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी भाई इनकी ड्यूक है, हैप्पी ओनर है, तो अपनी ड्यूक के एकदम मस्त। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।